चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। दोपहर होने को आई है और हमने सोचा क्यों ना न्यूज रूम से आप सभी तक एक बहुत जरूरी खबर पहुंचा दी जाए, और खबर है तो उसको एक्सप्लेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। खबर ये है कि यूएन की जनरल असेंबली में एक वोटिंग हुई थी रेजोल्यूशन को लेकर, जो रेजोल्यूशन था हमास और इसराइल के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर। उस वोटिंग से भारत ने एब्सटेन कर लिया है। एब्सटेन कर लिया है मतलब ना ही उसके रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डाला है और ना ही उसके अगेंस्ट में वोट डाला है। पूरी कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे से आपको समझना पड़ेगा। आप सब जानते हैं 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद से अब इसराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है। इसराइल ने इसी वॉर के चलते जो नॉर्दर्न गाजा में लोग रह रहे थे उन लोगों को ये चेतावनी दी कि आप सभी यहाँ से खाली करके साउदर्न गाजा में चले जाइए, क्योंकि अब हम यहाँ पे अटैक करेंगे। एयर स्ट्राइक तो अभी तक चली रही थी और अब ग्राउंड इन्वेजन की भी खबरें लगातार वहां से आ रही हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए यूएन की जनरल असेंबली के अंदर 193 देश हैं टोटल पूरे विश्व के मिला के, और इस असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश किया गया। ये रेजोल्यूशन को लेके आया था जॉर्डन। जॉर्डन एक कंट्री है जो आपकी स्क्रीन पर मैप दिखाया जा रहा है। इसराइल के बिल्कुल साथ में एक कंट्री है जॉर्डन। इस कंट्री की तरफ से ये रेजोल्यूशन आया था। जॉर्डन के साथ मिलकर 40 देश और थे जिन्होंने को स्पॉन्सर किया इस रेजोल्यूशन को, और इस रेजोल्यूशन को नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जॉर्डन कंट्री है, आपको इसराइल के राइट हैंड साइड में नजर आ रही है वेस्ट बैंक के साथ। तो इस कंट्री के द्वारा इस रेजोल्यूशन को लीड किया गया और रेजोल्यूशन में कुछ बातें कही गई। क्या बातें कही गई थी? बातें ये थी कि जो वॉर चल रहा है हमास और इसराइल के बीच में, इस वॉर को इमीडिएट बिल्कुल अभी की अभी इसको सस्पेंड किया जाए, और सीज फायर की बात इस रेजोल्यूशन में सबसे प्राइमली कही गई। इसके अलावा और भी कुछ बातें थी जिनके ऊपर रेजोल्यूशन आया, जैसा कि ह्यूमैनिटेरियन एड्स को खोला जाए, गाजा पट्टी के अंदर जो कि अभी गुड्स एंड सर्विसेज को जाने से रोक लगी हुई है, और किसी किसी तरह की वाटर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ रहे हैं, उन सभी को बंद किया जाए, और गाजा के अंदर जो सिविलियंस है ताकि उसको उन रहने में दिक्कत ना आए और सर्वाइवल उनका मुश्किल ना हो, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज वहां तक पहुंचाए जा सके। इसके अलावा जिन सिविलियंस को इलीगली, ये वर्ड जो रेजोल्यूशन के अंदर यूज किए गए इनको आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि इन्हीं को लेकर बाद में विवाद आया। रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया कि जिन सिविलियंस को इलीगली रोका गया है, कैप्चर किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए। अब इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया गया यूएन के अंदर, क्योंकि 120 देशों ने इसके फेवर में वोट किया, जिसके अंदर यूरोप और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल थे। 45 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन से एब्सटेन किया है, ना ही इसके फेवर में वोट डाला और ना ही अगेंस्ट में। इंडिया इन 45 कंट्रीज के अंदर शामिल है। 14 कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने साफ तौर पर इस रेजोल्यूशन को नकार दिया और इसके अगेंस्ट में वोट डाला। यूएसए और इसराइल दो बड़ी कंट्रीज हैं जो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट करने वाली कंट्रीज हैं। अब ये समझते हैं कि इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया है, ना ही फेवर में वोट डाला ना अगेंस्ट में वोट डाला। तो क्या कारण था कि इंडिया ने ये रेजोल्यूशन, जो सुनने में अच्छा सुनाई पड़ता है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की गई है, कहा जा रहा है कि युद्ध को रोक दिया जाए, फिर भी इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया? अब उसके दो मुख्य कारण है। इस रेजोल्यूशन के अंदर जो यूएस की एम्बेसडर है, उन्होंने जब इस रेजोल्यूशन के ऊपर यूएस का पक्ष रखा तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस रेजोल्यूशन के अंदर जो मेन इविल है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। दो शब्द मिसिंग पाए गए पूरे रेजोल्यूशन के अंदर, हमास और होस्टेजेस। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया था कि जो सिविलियंस जिनको इलीगली कैप्चर किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। रेजोल्यूशन में यह नहीं कहा गया कि हमास ने जिन लोगों को होस्टेज बनाया है उनको छोड़ दिया जाए, और इसको लेकर सबसे बड़ी आपत्ति जताई कुछ देशों ने जिसके अंदर इंडिया शामिल है। यही एक मेन रीजन था कि इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट अपना स्टैंड क्लैरिफाई करते हुए इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन किया। जब एब्सटेन किया गया और बहुत सारी कंट्रीज ने हमास और हॉस्टेज के इंक्लूजन के खिलाफ ना इंक्लूड करने को लेकर बात कही, तो अमेंडमेंट की बात हुई कि भाई इस रेजोल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जाए। जब सभी कंट्रीज चाहती हैं कि हमास और हॉस्टेज इंक्लूड हो तो अमेंडमेंट कर दिया जाए। अब अमेंडमेंट के ऊपर भी वोटिंग हुई कि कौन कौन चाहता है अमेंडमेंट हो या ना हो, तो इंडिया ने उस अमेंडमेंट की जो रेजोल्यूशन था उसके फेवर में वोट किया। यानी कि इंडिया का कहना था कि इस रेजोल्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन जो अमेंडमेंट का रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट नहीं हो पाया यूएन के अंदर। 87 कंट्री ऐसी थी जो चाहती थी कि अमेंडमेंट हो इस रेजोल्यूशन के अंदर, और 55 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, जैसे का तैसा है रेजोल्यूशन, यही ठीक है, हमको ये मंजूर है। अब आप सोच रहे होंगे अगर 87 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया तो अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ? एक शब्द होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग उस समय वोट कर रहे हैं उनका 2/3 हिस्सा, सिर्फ 50% नहीं, 2/3, लगभग 66-67% लोगों को फेवर में वोट करना पड़ेगा। 87 जो कंट्रीज हैं जिन्होंने फेवर में वोट किया वो 2/3 यानी कि 2/3 नहीं होता है, इसलिए अमेंडमेंट का जो रेजोल्यूशन था ये अडॉप्ट नहीं हो पाया, और जॉर्डन ने जो रेजोल्यूशन रखा था ऐसे का ऐसा ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। अब जब इंडिया ने एब्सटेन किया है तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत से जो नेशनल लीडर्स हैं वो इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो इंडिया का टेक है उसको लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा,
कांग्रेस की जो बड़ी लीडर हैं उनकी प्रतिक्रिया इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित है। ट्विटर पे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, महात्मा गांधी के कोटेशन को सबसे ऊपर उन्होंने लिखा और कहा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि आंख के बदले आंख पूरे दृश्य को अंधा कर देती है। आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड दैट आवर कंट्री हैज एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग फॉर अ सीजफायर इन गाजा। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा, आवर कंट्री वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, principles for which our freedom fighters laid down their lives. These principles form the basis of the constitution that defines our nationhood. They represent the moral courage of our country that guide its actions as a member of international community. तो यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो देश का जो इंडिया का स्टेप था इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन करने का उसकी निंदा की है और कहा है कि मैं शर्मिंदा हूं इस फैसले पे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के हिसाब से इंडिया को इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट करना चाहिए था। अभी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको अपडेट इस पर देते रहेंगे अलग अलग माध्यम से, लेकिन आपको क्या लगता है हम आपकी राय भी जरूर जानना चाहेंगे। आपको पूरा मामला हमने ब्रीफ में समझाने की कोशिश की कि 193 देश जो यूएन असेंबली में होते हैं जनरल असेंबली में उनके बीच में इस रेजोल्यूशन को लेकर वोटिंग हुई। अब आपको क्या लगता है इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को लेकर जो एब्सटेन करने का फैसला लिया है, ना इसके फेवर में और ना अगेंस्ट में वोट डाला है, और फिर जब अमेंडमेंट में इंडिया ने फेवर में वोट किया तो साफ साफ समझ में आया कि इंडिया चाहता था कि हमास और होस्टेजेस जो बड़े वर्ड हैं इनका इंक्लूजन इस रेजोल्यूशन में होना चाहिए था। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।